मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सोयाबीन के बारे में जो आखिरी प्रश्न उन्होंने कहा, प्रोटीन के बारे में और डायबिटीज के बारे में, दुनिया में अभी ऐसा कोई अध्ययन नहीं हो पाया है जिससे ये सिद्ध होता हो कि सोयाबीन से डायबिटीज ठीक हो सकता है। सोयाबीन से डायबिटीज ठीक होने की बात कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, और इसलिए दवा के स्वरूप में और मेडिसिन के रूप में अभी तक दुनिया में कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। ये कल्पना जरूर ऐसी है कि सोयाबीन में जो कंपोजिशन है, शक्कर का, जो शुगर का कंपोजिशन है, जो फ्रक्टोज है उसमें, ग्लूकोज है, फिर प्रोटीन है, फिर कुछ और भी चीजें, फैट भी है उसमें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन से शायद डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलती हो। लेकिन अभी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ना भारत के वैज्ञानिकों को ना दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को। ये चर्चा चल रही है, पुस्तकों में चर्चा है, पत्रिकाओं में चर्चा है, अखबारों में चर्चा है, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया है। और प्रोटीन के बारे में तो सिद्ध हो चुका है, सोयाबीन द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो किसी जानवर को मिले या किसी व्यक्ति को मिले, वो प्रोटीन बहुत ही जटिल होता है, और जटिल प्रोटीन जो होता है माने बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोटीन, और वो जल्दी से पचता नहीं है। माने हम दाल खाते हैं, दाल में से प्रोटीन हमको मिलता है, वो प्रोटीन जितनी आसानी के साथ शरीर में काम में आ जाता है, उतनी आसानी से सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन शरीर में काम नहीं आता, बल्कि सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन एक तरह से शरीर में स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम कोई चीज स्टोर भंडार करके रख लें, वैसे एक भंडार जैसा बन जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता शरीर की ऊर्जा के लिए। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सोयाबीन का जो प्रोटीन है बहुत संश्लेषित है, बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया भर में सोयाबीन खाने की बात कहीं नहीं कही जाती। अमरीका में लोग कभी भी सोयाबीन नहीं खाते, यूरोप में कभी भी लोग सोयाबीन नहीं खाते। मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि यूरोप में सोयाबीन खाया जाता है, सिर्फ जानवरों को खिलाया जाता है, और खासकर जानवरों में भी गाय को कभी नहीं खिलाया जाता, क्योंकि गाय को तकलीफ होती है सोयाबीन खा के। यूरोप में सोयाबीन सिर्फ खिलाया जाता है डूकरों को, सुअरों को, और वहां भी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चूंकि जटिल है इसलिए आसानी से पचता नहीं, तो डूकर सोयाबीन की खली खाता है तो स्टोरेज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता, मोटा हो जाता, और वो इसलिए डूकर को खिलाते हैं क्योंकि डूकर का मांस उन्हें खाना, तो सोयाबीन खाया हुआ डूकर थोड़ा जाड़ा हो जाता है, मोटा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मांस ज्यादा मिलता है, इसलिए डूकरों को सोयाबीन खिलाने की परंपरा है। और वो भी सब देशों में नहीं है, सिर्फ हॉलैंड में है। मैं हॉलैंड जा चुका हूं और मैंने वहां पर देखा है कि उससे जो है दूसरे तरह की प्रॉब्लम भी हो रही है। जैसे वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है कि डूकर का मांस जो खाया किसी ने और वो सोयाबीन खाया हुआ डूकर है, तो उन लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है। जो सोयाबीन खाता है डूकर, डूकर का मांस जो लोग खाते हैं, तो लोगों को पेट की बीमारियां बहुत होती है जो डूकर का मांस खाते हैं सोयाबीन वाला। इसलिए पूरे हॉलैंड में सोयाबीन का बहिष्कार कर दिया है, वहां कोई किसान सोयाबीन नहीं करता, यूरोप में भी कोई किसान सोयाबीन नहीं करता। भारत में हॉलैंड की एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम है सीजवॉन वीवी, तो सीजवॉन वीवी कंपनी आई थी सोयाबीन का बीज लेकर सबसे पहले, और मध्य प्रदेश में उस समय जब सरकार चलती थी, आज से ये करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार को वो बीज मुफ्त में दिया गया था और कहा गया था कि आप अपने किसानों को अगर ये बीज बांटें तो हम आपके पैदा किए हुए सोयाबीन को पूरा खरीद लेंगे और आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो इस लालच में मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का बीज बांटना शुरू किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के माध्यम से। पहले मध्य प्रदेश में फैला सोयाबीन अभी फैलते फैलते महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा गुजरात में भी चला गया, उत्तर प्रदेश में भी चला गया है, लेकिन अब करते करते खेती इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ उसमें से फल नहीं निकलता। एक बात जो आपने कही कि सोयाबीन की खेती के बाद कपास की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये बात तो किसी दूसरी फसल पे भी सच है।
आप कोई भी दलहन की खेती करें, कोई भी दाल करें, तुअर की करें, उड़द की करें, मूंग की करें, उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। कपास की फसल का अच्छे होने का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जिस खेत में प्रोटीन ज्यादा देने वाली कोई भी अनाज पैदा की गई हो, अनाज की फसल ली गई हो, उसमें उसके बाद कपास लगाएंगे हमेशा अच्छा होगा। और इसी तरह से एक और दूसरी छोटी सी बात है कि तुअर की दाल लगा दीजिए किसी खेत में, उसके बाद गेहूं लगाइए, गेहूं हमेशा उसमें अच्छा होगा। तो जो भी दाल है, दाल की फसल लेने के बाद अगर आप गेहूं लेंगे उसमें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही कपास की फसल अच्छी लेनी है तो पहले उस खेत में अगर दाल लगा देंगे आप, तो दाल के बाद कपास लगाएंगे तो हमेशा, कोई भी दाल लगाइए, मूंग की लगा दीजिए, उड़द की लगा दीजिए, तुअर की लगा दीजिए, किसी भी किस्म की दाल लगा दीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती हो, तो हमेशा कपास की फसल अच्छी होगी। सिर्फ सोयाबीन से कपास की फसल अच्छी होती है, इससे भी ज्यादा सच ये है कि किसी भी तरह की दाल की फसल आप लगाएं तो उसके बाद कपास की फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। और ये जो फसल चक्र का एक सिद्धांत है, और शायद इस देश में सभी किसान जानते थे आज से 200-300 साल पहले तक, लेकिन ये जो परदेशियत आ गई, विदेशीकरण हो गया हमारी खेती का, तो वो फसल चक्र का जो हमारे ज्ञान थे वो खत्म हो गए, टूट गए धीरे धीरे। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ये ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो गांव के पुराने बुजुर्ग हैं जिन्होंने पुरानी खेती की है उनसे मिलेगा कि आप क्या करते थे अपने जमाने में, क्योंकि किताबें इस पर ज्यादा लिखी हुई नहीं है, ज्यादा इस पर प्रकाशित साहित्य नहीं है। जो साइंटिस्ट लिखते हैं, जो किताबें बनाते हैं, वो भी एजम्पशंस के आधार पर हैं, अनुमानों के आधार पर हैं। तो उसका ज्यादा वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण जानकारी सीधे गांव में ही मिल सकती है। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप लोग कर सकें, इसी में मुझे याद आ गया कि हर गांव में इस तरह की फसल की जो व्यवस्था होती रही पिछले कई वर्षों से, उसके बारे में कुछ लिखित काम शुरू कर दिया जाए। जैसे मुझे दिगरस गांव में, दिगरस गांव में 10 तरह की फसलें होती हैं या 50 तरह की फसलें होती हैं, तो पिछले 50 साल में इनमें क्या बदलाव आया है, 50 साल पहले ये फसलें किस तरह की, 50 साल के बाद किस तरह की फसलों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया है, किस तरह की फसलों का परसेंटेज बढ़ गया है। अगर ये छोटा छोटा एक सर्वेक्षण का काम हर गांव में शुरू कर दिया जाए तो ये जो झगड़ा है कि सोयाबीन के बाद क्या करें या गेहूं के बाद क्या करें या कपास के बाद क्या करें या ऊस के बाद क्या लगाएं खेत में, धान लेने के बाद क्या लगाएं, ये झगड़े उसमें से सुलझ जाएंगे और वो ज्ञान जो हमारे पास था वो वापस हमारे पास लौट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में जो नौजवान साथी हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। और इस तरह का काम शुरू करने में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वडील हैं, उनकी बड़ी भारी मदद हो सकती है, जिन्होंने पिछले कई सालों से खेती की है, जिनको इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास शुरू होना चाहिए। और कई बार किताबों में, खासकर पत्रिकाओं में, बहुत बार ऐसी माहिती आती है जो विदेशों से इम्पोर्टेड होती है। सोयाबीन के बारे में जितनी माहिती भारत की पुस्तकों में छपती है सब विदेशी माहिती है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल कभी नहीं थी। ये हिंदुस्तान में 20-25 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि सोयाबीन क्या होता है। ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड फसल है और इम्पोर्टेड कृषि का ये जो है पद्धति है सोयाबीन पैदा करने की। तो ये जो विदेशों से आने वाली जानकारी है उसको सीधी तरह से कभी स्वीकार ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है विदेशों में कोई एक जानकारी सच हो वो हमारे यहां भी सच हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है वहां बहुत गलत हो और आपके यहां सच हो जाए, हो सकता है वहां सच हो आपके यहां गलत हो जाए, क्योंकि फसल चक्र जो होता है वो मौसम के हिसाब से बनता है और फसल की किसी भी स्थान पर उत्पादन की जो शक्ति होती है वो वहां की स्थानीय मिट्टी और जलवायु के आधार पर बहुत निर्भर करती है। तो हॉलैंड के लिए कोई बात एक सच हो सकती है, वो भारत के लिए सच नहीं होगी। हॉलैंड का मौसम एक तरह का है, भारत का मौसम दूसरी तरह का। तो सोयाबीन हॉलैंड के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जा सकती है, भारत के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल होगी। इसलिए परदेशों से कोई जानकारी आ गई है और उसको हम सत्य मान के काम करना शुरू करेंगे तो कई बार धोखा उसमें ज्यादा होता है। उसको अपने विवेक से परखें और अपनी बुद्धि से उसका टेस्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें और तब उसको फॉलो करें।